वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो डियर स्टूडेंट, आज की क्लासेस में हम इंडेक्स नंबर की लास्ट क्लास है जिसमें हम स्टॉक एक्सचेंज के सेंसेक्स और निफ्टी की थ्योरी के बारे में समझेंगे। तो बच्चे, इसको रीड करने से पहले आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे कि जो पहले क्या होता है कि सबसे पहले स्टार्टिंग आपकी होती है प्रोप्राइटरशिप से। प्रोप्राइटरशिप होता है जो आप अपने गली मोहल्ले पे आप एक छोटी दुकान देखते हैं, कोई एक पर्सन दुकान चला रहा है, उसे प्रोप्राइटरशिप बोलते हैं। धीरे धीरे वो प्रोप्राइटरशिप एक्सपेंड होता है और वो एक कंपनी का रूप धारण कर लेता है, उसके बाद वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन जाती है। और ऐसी कंपनी जिसकी वैल्यूएशन 500 करोड़ रुपए से अबव हो जाए, अब ऐसी कंपनी रेडी हो जाती है किस चीज़ के लिए, जिसका एक ब्रांड बन जाता है, उसकी एक वैल्यूएशन बन जाता है। तो एक ऐसी कंपनी जो कि अपना एक अच्छा नाम स्टैब्लिश कर लेती है, जैसे कि जोमेटो ने कर लिया धीरे धीरे इन्वेस्ट करके अपनी परफॉर्मेंस को करते करते, और फिर एक टाइम पर आकर के उसने क्या किया, और भी उसको फंड और कैपिटल की रिक्वायरमेंट थी, तो उसने क्या किया, अपने आप को एक शेयर मार्केट के अंदर लिस्टेड करवाया। और शेयर मार्केट के अंदर लिस्टेड करवाने के बाद आप क्या करते हो, पब्लिक से फंड इकट्ठा करते हो, मतलब पब्लिक को आप जो है इंकरेज करते हो कि वो आपके शेयर्स में पैसे लगाएं, और पब्लिक उसके रिस्पेक्ट में आपको प्रॉफिट देते हैं। तो लेकिन आप अगर वेल रेपुटेटेड हैं और आपकी परफॉर्मेंस बेटर है, तो पब्लिक इंटरेस्टेड होगी आपके शेयर्स में पैसे लगाने के लिए। और जो आप शेयर्स को जो फर्स्ट टाइम आप इशू करते हैं, उसको हम IPO बोलते हैं। क्लियर है बच्चे? अब क्वेश्चन ये है कि जब आप शेयर मार्केट में जाते हैं, आप एक 500 करोड़ से अब आपकी वैल्यूएशन हो गई, एक अच्छी गुडविल हो गई है, अब आप चाह रहे हैं कि अपनी कंपनी को और बड़ा आप ले बड़े लेवल पे आप लेकर के जाएं, उसके लिए आपको और बड़े फंड की नीड है, और उसके लिए आप अपने को स्टॉक एक्सचेंज के अंदर आप लिस्टेड करवा रहे हैं और फंड आप वहां से आप इकट्ठा करेंगे। तो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जब आप जाएंगे तो आपके पास में दो ऑप्शन है, एक तो आप मुंबई स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड हो सकते हैं, और एक आप नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर आप लिस्टेड हो सकते हैं। तो बच्चे, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज के अंदर बेसिकली इस समय करंट के अंदर मैं बात करूं, BSE इसको बोलते हैं, इसके अंदर 5000 प्लस कंपनीज हैं और सबकी वैल्यूएशन बहुत अच्छी है। लेकिन हम सभी कंपनी की परफॉर्मेंस को डे टू डे डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर और हर चीज़ पे अपडेट नहीं कर सकते हैं। तो उनमें से जो टॉप 30 परफॉर्मर कंपनीज होती हैं, अब वो मैं कंपनी की बताऊंगा कि वो टॉप 30 यही हैं, क्योंकि वो फिक्स नहीं होते बच्चे। एक ने परफॉर्मेंस अच्छा करा, दूसरे परफॉर्मेंस डाउन जा रहा है लगातार, वो बाहर हो जाएगा, उसे बेटर परफॉर्म करने वाला अंदर आ जाएगा। तो जो टॉप 30 बेस्ट परफॉर्मर कंपनी होंगी, हर फील्ड में से की कंपनी ले लेंगे, और ऐसे 30 कंपनीज की परफॉर्मेंस को हम किस में मेजर करते हैं, सेंसेक्स में मेजर करते हैं, क्योंकि वो एक सेंसिटिव स्टॉक हो गया आपके वो हो गया। क्योंकि अगर वो 30 कंपनी जिस डायरेक्शन में जा रही है, तो 5000 कंपनी की पॉसिबिलिटीज है, मैक्सिमम कंपनी भी उसी डायरेक्शन को फॉलो कर रही है। क्लियर है? अगर SBI जिस डायरेक्शन में गई, SBI को कोई बेनिफिट्स हो रहा है, इकोनॉमी का बेनिफिट SBI को मिल रहा है, तो आपको ऑब्वियसली फिर वो PNB और अदर छोटे बैंकों के ऊपर भी उसका इंपैक्ट पड़ेगा, वो भी बेनिफिट पे जाएगी। क्लियर है? अगर SBI ही अगर लॉस में चली गई, टॉप परफॉर्मर कंपनी है, तो पॉसिबिलिटीज है कि जो बाकी जो रेस्ट ऑफ बैंक है उनमें से मैक्सिमम बैंक लॉस में चली जाए। तो इसलिए क्या करती है कि ये एक इंडिकेटर होती है जो कि पूरे के पूरे 5000 प्लस कंपनी को रिप्रेजेंट करती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सेंसेक्स में से अगर एक कंपनी का परफॉर्मेंस बेटर है तो सारी कंपनी का परफॉर्मेंस 5000 प्लस कंपनी का परफॉर्मेंस बेटर ही रहेगा। मतलब प्रोबेबिलिटी, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ये रहती है, और मैक्सिमम कंपनी की परफॉर्मेंस सेम एज इट इज वही रहती है जो कि 30 कंपनी की परफॉर्मेंस रहती है। 30 कंपनी अगर ग्रोथ कर रही है तो शेयर मार्केट में बाकी जो 5000 प्लस कंपनी है आपके BSE के अंदर, वो भी फिर परफॉर्मेंस कर रही है अपने अपने लेवल पे। क्लियर है? तो इसलिए उन 5000 कंपनी की परफॉर्मेंस को रिफ्लेक्ट करने के लिए हम टॉप परफॉर्मर 30 कंपनी को हम अपने सामने रखते हैं। इसको सेंसिटिव इंडेक्स भी बोलते हैं, सेंसेक्स के नाम से जाना जाता है। क्लियर है बच्चे? समझ में आया? और इसी तरीके से आप अपनी कंपनी को लिस्टेड कर सकते हैं NSE के अंदर, इसको हम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। इसके अंदर इस टाइम पे 1500 प्लस कंपनी लिस्टेड है, और 1500 कंपनी में से इसमें टॉप परफॉर्मर 50 कंपनी, 50 कंपनी की परफॉर्मेंस को हम लेते हैं, उसको हम बोलते हैं निफ्टी। अगर ये 50 कंपनी बेटर परफॉर्म कर रही है, निफ्टी बेटर परफॉर्म कर रही है, इसका मतलब है कि इसके अंदर 1500 कंपनीज भी ऑलमोस्ट बेटर परफॉर्मेंस अपने अपने लेवल पे कर रही है। सेंसेक्स अगर परफॉर्म कर रही है, मीन्स वो 30 कंपनी टॉप परफॉर्मर 30 कंपनी परफॉर्म कर रही है, इसका मतलब ये हो गया कि उस 5000 कंपनी में मैक्सिमम जो कंपनीज है वो भी परफॉर्म कर रही है। अब इसके अपने अपने पॉइंट्स होते हैं, लाइक मैं एग्जाम्पल मैं इसके पॉइंट्स को बताता हूँ गूगल से। सेंसेक्स देखते हैं,
इस समय कितने पर है, सेंसेक्स 78,886 पॉइंट पे है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब बच्चे क्या है, वन पॉइंट है ना बच्चे, वन पॉइंट रिप्रेजेंट किसको करता है, 1 करोड़ को। वन पॉइंट रिफ्लेक्ट किसको करता है, 1 करोड़ को। तो इस समय जो वो सेंसेक्स के अंदर 30 कंपनी है, तो उस 30 कंपनीज की वैल्यूएशन की मैं अगर बात करता हूं तो वो आपका 78,886 करोड़, लगभग लगभग आप बोल सकते हैं कि 1,00,000 करोड़ के आसपास उन कंपनी की अपनी जो है वर्थ है। क्लियर है बच्चे, वो जो टॉप सिर्फ 30 कंपनी की परफॉर्मेंस ही देखो कितनी जबरदस्त और धासु कंपनी है। क्लियर है, बात समझ रहे हैं बच्चे। तो ये क्या है, ये आपके पास में ये ए वन पॉइंट मतलब 1 करोड़ रुपए होता है। और इसी तरीके से अगर आप निफ्टी को भी देखते हैं तो इस समय बच्चे थोड़े ज्यादा बड़ी कंपनी है ना सेंसेक्स के अंदर जो है वो लिस्ट होती है। अगर आप बात करते हैं निफ्टी की, निफ्टी 50 कहते हैं इसको। अब देखो बच्चे ये 50 वो लगभग लगभग मान के चलिए आपके पास में वो 1.25 लाख है वो, ठीक है ना। और ये 50 कंपनी मिलकर के सिर्फ 24,117 पॉइंट पर है, पूरी के पूरे 50 कंपनी मिलकर के। तो ये 24,000 करोड़ की इसकी वैल्यूएशन है। तो 30 कंपनी की परफॉर्मेंस 50 कंपनी की परफॉर्मेंस से बेटर है, क्योंकि उसमें बड़ी बड़ी कंपनी होती है। बीएससी में सेंसेक्स में टॉप 30 कंपनी होती है, और एनएससी के अंदर थोड़ा उससे थोड़ा नीचे लेवल की कंपनीज होती हैं, इसलिए इसकी 50 कंपनी मिलकर के भी सिर्फ 24,000 पॉइंट ही लेकर आ पा रही है, और बीएससी में करके आ पा रही है। तो ये बात आप समझ पाए बच्चे, क्लियर है। तो ये पॉइंट्स आपको क्लियर हुआ कि भैया बीएससी क्या होता है, 30 कंपनीज क्या होती हैं, कंपनीज कितनी होती हैं, इनकी परफॉर्मेंस को क्या बोलते हैं, ये पॉइंट्स क्या रिफ्लेक्ट करते हैं। वही कहता है बीएससी के बारे में कि बीएससी सेंसेक्स मतलब कि सेंसिटिव इंडेक्स आल्सो कॉल्ड द बीएससी 30 सेंसेक्स को हम बोलते हैं बीएससी 30। इट्स अ वैल्यू वेटेड इंडेक्स फॉर द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। द सेंसेक्स इज द कंप्राइज ऑफ द 30 लार्जेस्ट एंड द मोस्ट एक्टिवली स्टॉक, क्लियर है बच्चे, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द वेरियस सेक्टर। अलग अलग सेक्टर से एक एक कंपनी लेते हैं, लाइक आप कंस्ट्रक्शन से आपने कंपनी ले ली, लाइक सीमेंट में से एक कंपनी आपने पिक कर ली, मेडिसिन में से आपने एक कंपनी ले ली। क्लियर है बच्चे, तो अलग अलग सेक्शन से एक एक कंपनी लेते हैं। ऑन द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज दीज कंपनी काउंट फॉर 1/5 ऑफ द ऑल मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑन द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। मतलब कि पूरे के पूरे 5,000 प्लस कंपनी के पास में जो कैपिटल है वो सिर्फ इन 30 कंपनियों के पास में उसका 20% होल्ड करती है, 1/5 मतलब ये हो गया ऑफ द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। सिंस दीज बास्केट ऑफ द स्टॉक रिफ्लेक्ट द ब्रॉडर इंडियन स्टॉक मार्केट, द सेंसेक्स इज द रिकॉग्नाइज द अराउंड द वर्ल्ड एज द की द इंडिकेटर फॉर द हेल्थ ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। अगर भैया सेंसेक्स परफॉर्म कर रही है तो इंडिया की 5,000 टॉप मोस्ट कंपनी परफॉर्म कर रही है, इसका मतलब हो गया कि हमारी इकोनॉमी परफॉर्म कर रही है, तो ये हमारी इकोनॉमी का इंडिकेटर होता है। द बेस पीरियड ऑफ द सेंसेक्स इज द 1978 टू 1979 एंड द बेस वैल्यू ऑफ द 100 इंडेक्स पॉइंट। क्लियर है, स्टार्टिंग में जो है कितना पॉइंट से स्टार्ट करा था इसको हमने, 100 पॉइंट से स्टार्ट करा था, मतलब कि आपके पास में मांग के चलिए 100 करोड़ से स्टार्ट हुआ था। दिस इज द ऑफन इंडिकेटेड बाय द नेशनल। द बीएससी सेंसेस इज द कैलकुलेटेड यूजिंग द फ्री फ्लोट मार्केट। क्लियर है बच्चे, वैल्यू ऑफ द 30 कॉम्पोनेंट स्टॉक रिलेटिव टू द बेस पीरियड, द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ अ कंपनी इज डिटरमाइंड बाय द मल्टीप्लाइंग बाय द प्राइस ऑफ द इट्स स्टॉक बाय द नंबर ऑफ शेयर्स इश्यूड बाय द कंपनी। भैया आपसे एक बात कह रहा है कि द मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसे हम कैल करते हैं, जो कंपनी के लाइक मेरे पास में 50 शेयर है और एक शेयर की वैल्यू 2 रुपए है, तो 100 रुपए मेरी जो है कैपिटलाइजेशन हो गई है। तो किसी कंपनी की कैपिटलाइजेशन को कैसे हम वैल्यूट करते हैं कि उसके जो शेयर्स हैं उसको हम उसके प्राइस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्लियर है बच्चे, द कैलकुलेशन ऑफ द सेंसेक्स इन्वॉल्व्स द डिवाइडिंग द फ्री फ्लोट मार्केटिंग कैपिटलाइजेशन ऑफ 30 कंपनीज इन द इंडेक्स बाय द नंबर ऑफ द कॉल्ड द इंडेक्स डिवाइजर। क्लियर है, और इसी तरीके से नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी भी यही होता है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इन द इंडियन लिमिटेड एनएससी मुंबई बेस्ड स्टॉक एक्सचेंज, इट वॉज द प्रमोटेड बाय द लीडिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस।
तो एनएससी के अंदर हम क्या रखते हैं, बेसिकली लीडिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक बैंक एटसेट्रा एट द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया वाज द इनकॉर्पोरेटेड इन द नवंबर 1992 एट अ टैक्स पेइंग कंपनी इन अप्रैल 1930 द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ द इंडियन द लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन द इंडियन इन द टर्म्स ऑफ द डेली टर्नओवर एंड द नंबर ऑफ द ट्रेडर. तो जो फाइनेंशियल कंपनी होती है उसको इसके अंदर रखते हैं. अब इसके अंदर कितनी कंपनीज होती है, 30 कंपनी होती है, इसको हम निफ्टी 50 होती है, इसको हम 50 कंपनीज कंसिडर होती है. एनएससी इज द म्यूचुअली ओन्ड बाय द सेट ऑफ द लीडिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज एंड द अदर फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स इन इंडिया, बट द ऑनरशिप एंड द मैनेजमेंट ऑपरेटेड एज अ सेपरेट एंटिटी. दे आर द एट द एटलीस्ट 2 फॉरेन इन्वेस्टर. क्लियर है, इसके अंदर इन सभी के अंदर कम से कम 2 बाहर के इन्वेस्टर भी होने चाहिए. क्लियर है बच्चे? तो ये हमने किसके बारे में पूरा डिटेल पढ़ा, हमने यहाँ पर एनएससी के बारे में भी कंप्लीट डिटेल पढ़ लिया. तो लिमिटेशन ऑफ इंडेक्स नंबर, इंडेक्स नंबर आर ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ द आइटम्स ऑफ देयर कंस्ट्रक्शन एंड सच दे मे नॉट रिफ्लेक्ट द ट्रू पिक्चर ऑफ द कॉलम अंडर द स्टडी. सेंसेक्स बढ़ने के बाद कभी हो सकता है कि आपने स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इन्वेस्ट किया, सेंसेक्स बढ़ा, आप बड़े खुश हुए कि सेंसेक्स बढ़ गया, टीवी अपना 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 शेयर का प्राइस चेक कर पता लगा उससे प्राइस डाउन हो गए, तो अगर सेंसेक्स बढ़ रहा है तो चांसेस है कि ज़्यादातर कंपनी आपका जो ग्रीन हो जाएगी बढ़ेगी, पर इसका मतलब नहीं है सारी कंपनी ही बढ़ रही है. द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज अ वेरी डिफिकल्ट टू अकाउंटेंट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द इंडेक्स नंबर. इंडेक्स नंबर यूज फॉर द वन पर्पज कैन नॉट बी यूज फॉर द अनदर पर्पज. इंडेक्स नंबर एक पर्पज के लिए यूज होता है, दूसरे पर्पज के लिए यूज नहीं होता है. इंडेक्स नंबर आर द लाइबल टू बी द मिस यूज. तो बच्चे जो आप सेंसेक्स का इंडेक्स नंबर देखते हो, सेंसेक्स के जो 30 कंपनी के जो आप पॉइंट्स देखते हो, तो वहाँ पर आपके साथ में हो सकता है कि आप उससे एक सही डिसीजन कई बार आप नहीं भी ले सकते हैं. तो ये कुछ इसकी अपनी एक लिमिटेशन है. तो ये थ्योरी पोर्शन कवर कर लिया, बहुत कम चांस होते हैं थ्योरी का आने के, बट आपका सिलेबस में हाईलाइट था, मेंशन था, इसलिए मैंने इस चीज़ को पिक करा है. और अब आपके पास में मैंने यहाँ तक अभी तक आपका इंडेक्स नंबर एक यूनिट आपका पूरा अच्छे तरीके से कंप्लीट कर दिया है. नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट यूनिट पर डिस्कशन हम करेंगे. अब आज ये हमारा टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाता है.